हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका पार्ट का नाम हम लिख रहे हैं लेवल वन। इसके बाद लेवल टू एंड लेवल थ्री के भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ और जैसे उधर टफनेस वो इंक्रीज होती जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेवल वन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, बस यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर डालते जा रहे हैं, ठीक है। ये लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन है। इसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम हर टाइप के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें, लेवल फॉर वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। तो पहला आ रहा है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। हमने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी। इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे कंप्लीट, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो इजीली पड़ेगा और जल्दी जल्दी आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, VSEPR थ्योरी है, उससे SF4 मॉलिक्यूल की क्या बताना है, शेप। याद होगा मैंने बताया था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। जो चार्ज होता था -1 हो या +1 कंसिडर करते थे, -2 हो, +2 हो, -3 हो, +3 हो, सबको जीरो लेते थे एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यह आया कितना, 10/2, जो कि आया 5। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, सल्फर के साथ चार क्या है, फ्लोरीन। सल्फर के साथ चार क्या है, फ्लोरीन। तो बताओ कितने बॉन्ड होंगे मिनिमम, 4, और लोन पेयर बचे हुए 5 में से एक किस में चला गया, लोन पेयर्स में। किस में चला गया, लोन पेयर। 5 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में एक लोन पेयर आ जाए। लोन पेयर कैसा है, देखो सेंट्रल एटम के साथ 4 फ्लोरीन है, कितने, 4 फ्लोरीन। टोटल में से 4, टोटल में से 4 किसमें चले गए, बॉन्ड में, बचा एक, वो बचा लोन पेयर। बचे हुए किसमें जाएंगे, लोन पेयर। अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में एक लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाती है हमारी सीसो, सीसो, जो कि होती है एस, ये FHR एंड ये होती है सीसो शेप। इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हमें पूछा था शेप क्या है, शेप ये सीसो। हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके ही आंसर देंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम में आप जिसको डायरेक्ट पता है सीशो शेप है वो डायरेक्ट भी टिक लगा सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है VSEPR थ्योरी से, काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज प्राइमरीली डिसाइडेड बाय। तो कुछ स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। इसके लिए आपको VSEPR के पोस्टुलेट्स पता होना चाहिए। अगर पोस्टुलेट्स अगर आपको आते VSEPR के तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहला है बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ अराउंड द सेंट्रल एटम। ऑप्शन डी, याद होगा हमने VSEPR पढ़ा था, VSEPR ज्योमेट्री बताती है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट भी लिखी थी और पोस्टुलेट्स में भी, कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन कौन से टोटल, जिसमें कौन कौन से होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये पोस्टुलेट्स से पहले लिखा हुआ है, जिसमें आता है बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, डायरेक्टली स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्री के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो फोर्थ पॉइंट जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। ज्योमेट्री अगर आपको फाइंड करनी है किसी भी मॉलिक्यूल्स की तो हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाकी इनकरेक्ट। पहले में लिखा है बॉन्ड पेयर, हाँ बॉन्ड पेयर ठीक है, बट लोन पेयर भी होते हैं। सेकंड में लिखा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई भी होते हैं, तो सिग्मा। नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर भी होना जरूरी है। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ज्योमेट्री के लिए हमें पता होना चाहिए लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड भी वीएससीपीआर थ्योरी का क्वेश्चन था. क्वेश्चन आ रहा है थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 2s 2s 2p 2p 2s 2p VBT postulate नंबर लास्ट. लेक्चर में जाके देख सकते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो लास्ट पोस्टुलेट है उसमें इसका आंसर दे भी रखा है और लिखवाया भी था. हमने पढ़ा था जो SS ओवरलैपिंग होती है SP NPP, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग PP की होती है, फिर SP एंड देन SS. व्हाई, ऐसा क्यों? तो याद होगा फोर्थ पोस्टुलेट में लिखा भी था कि जो लोब्स होते हैं पी ऑर्बिटल के लोब्स और एस की जो रेडियस, ये जो लोब्स होते हैं लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल इज लॉन्गर देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लिख लो, लॉन्गर देन दी रेडियस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एस ऑर्बिटल. इट मीन्स जो ये लोब्स होते हैं, ये जो लोब्स हैं इनको लोब्स बोलते हैं, पीक है, ठीक है. ये जो लोब्स होते हैं वो इस रेडियस से एस की कॉरस्पॉन्डिंग एस ऑर्बिटल के रेडियस से लोब्स ऑलवेज लॉन्गर होते हैं. क्या होते हैं? जो ये लोब्स होते हैं पी ऑर्बिटल के, ये लॉन्गर होते हैं किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एस ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से जो पी के जो लोब्स ज्यादा लंबे हैं तो वो ज्यादा अंदर तक ओवरलैपिंग करेंगे, ज्यादा अंदर तक. तो इस केस में दोनों ही पी ऑर्बिटल्स हैं, ये रहा एक पी, दूसरे में एक क्या है पी के साथ एक एस, और तीसरे में दो एस. ऐसे तो पी के जो लोब्स होते हैं लॉन्गर होते हैं, वो अंदर तक ओवरलैप करते हैं. इस केस में एक पी ए और एक एस ओवरलैपिंग होगी, बट उसके कंपेयर में कम. एस एस में क्या है, इसके जो रेडियस है वो पी के लोब से शॉर्टर है, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग कम होती है. तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग पीपी में होती है, इसलिए वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. तो यहाँ पे बोला 2s 2s 2p 2p 2s 2p, तो किसका ज्यादा है? पीपी, मतलब पी इन्होंने 2 लिया है सबको, ये रहा पीपी की ओवरलैपिंग मैक्सिमम. तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो 2p सबसे ज्यादा, उससे कम sp, उससे कम ss. ये ऑप्शन करेक्ट. तो याद रखना, कभी भी पूछा जाए कि बताओ pp ओवरलैपिंग क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि लोब्स आर लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग s ऑर्बिटल्स. तो ऑप्शन नंबर इज कौन सा है? सी ना, 2p 2s 2p एंड 2s 2. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीपीटी का फोर्थ पोस्टुलेट है, वहां पे लिखा भी हुआ है कि दो की जो लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स इज लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एस ऑर्बिटल्स, इसलिए पीपी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है. इसलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा 2p एंड 2p. इसे नोट करें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे. फोर्थ, इन क्वेश्चन को ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हम लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर लेवल सेकंड में थोड़े से टफ आएंगे एंड थर्ड में फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस, मोर देन वन आंसर टाइप एंड टिपिकल, थोड़े टिपिकल तो ऐसा कुछ नहीं अगर पढ़ा हो तो. क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट, एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज In fact, have square pyramidal structure. अगर मैं AB5 की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल PCl5, इस टाइप से और भी ले सकते, जैसे ICl5 आयंस के फॉर्म में और भी, ठीक है. क्या सारे AB5 के जो सारे जो AB5 मॉलिक्यूल है, कहां गया? AB5 मॉलिक्यूल does in fact have the square pyramidal. स्क्वायर पिरामिडल, पहली बात तो AB5 जो होता है वो क्या बनाता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. क्या बनाता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. तो पहली स्टेटमेंट तो क्या है? नॉट अ करेक्ट, करेक्ट नहीं है.
यही पूछा था, नॉट अ करेक्ट। फिर भी आगे चेक करते हो क्या क्या ऑप्शन है। मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, इससे डबल सिंगल बॉन्ड लेंथ सिंगल की ज्यादा होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट बी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट वाली पहचाननी है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी आर इज द मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल बॉन्ड आर कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव देन द मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल बॉन्ड, इसमें पाई होता है मल्टीपल में पाई होता है, पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव, ठीक है, पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव। एंड डी ऑप्शन, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। रेजोनेंस हमने पढ़ा था, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, इसलिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, तो रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बी सी एंड डी। हमें पहचानना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो AV5 मॉलिक्यूल जैसे कि PCl5 डज हैव स्क्वायर पिरामिडल, नहीं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, क्या होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो इनकरेक्ट ऑप्शन ए। तो याद रखना, बाकी भी पता होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल हैविंग द मल्टीपल बॉन्ड कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव, पाई जल्दी ब्रेक होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसके स्ट्रक्चर रियल एग्जिस्टेंस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हमें इनकरेक्ट वाला पहचानना था, तो ए आंसर ए। तो नेक्स्ट आते हैं अगला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। Both BF3 and NF3 are covalent molecule. Both BF3 and NF3 are covalent molecule. BF3 is non-polar while NF3 is polar. Give reason. BF3 जिसका ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और NF3 याद होगा अगर चैप्टर अगर पढ़ा है, क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है चैप्टर पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, वरना कोई फायदा नहीं है क्वेश्चंस करने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए वरना रट्टा मारोगे। तो NF3 ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक। तो हमें बोला था कि BF3 इज नॉन पोलर वाइल NF3 इज पोलर, पोलर दिस वन इज नॉन पोलर, स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट से पहले देखो यहां पर देख लेना, नॉन पोलर कौन होते हैं, जो सिमेट्रिकल होते हैं, कौन से सिमेट्री मॉलिक्यूल्स, सिमेट्री मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर होते हैं, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0d बे। और दूसरी बात अगर हम पोलर की करें, अनसिमेट्री मॉलिक्यूल, जो कि क्या होते हैं पोलर, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, नॉट इक्वल टू 0d। ये डाइपोल मोमेंट पढ़ के आए हम, और नहीं भी पढ़ा तो सामने सुनी लिया है। तो यहाँ पे आ रहा है बोरोन इज सॉलिड, नाइट्रोजन इज गैस, डाइपोल मोमेंट में इसका कोई रोल नहीं है, या डाल दो। BF3 इज प्लेनर व्हाइल NF3 इज पिरामिडल, चलो ये अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पे अंडरलाइन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, शेप बताइए, आगे ऑप्शन देखते हैं। बोरोन इज मेटलॉइड, मेटल नॉन मेटल का डाइपोल मोमेंट में कोई भी रोल नहीं होता। एटॉमिक साइज ऑफ बोरोन इज स्मॉलर, नाइस, तो बी ऑप्शन देख लो, BF3 इज प्लेनर, प्लेनर है इसलिए क्या है सिमेट्री, और सिमेट्री क्या होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट। दूसरी बात अगर करें ट्राइगोनल पिरामिडल, ये रहा पिरामिडल, पोलर क्यों, क्योंकि अनसिमेट्री। अब अनसिमेट्री क्यों है, क्योंकि इसमें लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, इसलिए अनसिमेट्री है, और इसमें सारे ही बॉन्ड है इसलिए इसे सिमेट्री बोला गया है, ठीक है, इसमें सारे बॉन्ड से इसलिए हमें सिमेट्री बोलते हैं, उसमें 3 बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है इसलिए अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री का 0 डाइपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन था BF3 इज नॉन पोलर
ये रहा नॉन पोलर एंड NF3 इज पोलर. रीजन ये रहा क्योंकि BF3 एक प्लेनर स्ट्रक्चर है. इन्होंने तीन स्टेटमेंट दे रखी है, आगे लिख भी सकते थे सिमेट्री मॉलिक्यूल प्लेनर स्ट्रक्चर. तो BF3 इज प्लेनर एंड NF3 इज पिरामिडल. देन ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से भी दे सकते हैं ये ऑप्शन हटा के कि BF3 इज सिमेट्री एंड NF3 इज अनसिमेट्री मॉलिक्यूल. इस टाइप से भी ऑप्शन वो दे सकते हैं. तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन ये भी सही था, बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये भी डाइपोल मूवमेंट का ही क्वेश्चन. द डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज वेरी लेस देन NH3. ये तो NCERT टेक्स्ट बुक्स में भी पूछा जाता है और स्कूल CBSE बोर्ड में भी. NF3 और NH3 ये दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. दोनों की सेम शेप होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल. सॉरी NF3 है. तो अब बोला है ऑप्शन से पहले याद होगा लोन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिजल्टेंट इसका अप जाएगा. इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नाइट्रोजन. इस केस में ये लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. NF में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. साफ दिख रहा है यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो एड अप हो रहा है सेम डायरेक्शन में, और यहाँ रिजल्टेंट जो है इन तीनों का नीचे कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखो इन तीनों का रिजल्टेंट और लोन पेयर मूवमेंट. देखो बॉन्ड मूवमेंट एंड लोन पेयर मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में एड हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो एड या लोन पेयर मूवमेंट एंड बॉन्ड पेयर और मूवमेंट NF बॉन्ड मूवमेंट भी बोलते हैं जिसे. उन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट मीन्स कैंसिल आउट. अगर यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो इसका डायपोल मूवमेंट कम हुआ. NF3 का इसका डायपोल मूवमेंट कम हुआ. बट हमें ये ना करके हमें रीजन स्टेटमेंट से देखने थे. ABC ये डी ऑप्शन है. ठीक है, डी ऑप्शन. पहला, द साइज ऑफ फ्लोरिन एटम इज मच लेस देन द हाइड्रोजन. इनकरेक्ट. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन NF3. फ्लोरिन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये सारा कॉन्सेप्ट किसकी वजह से हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से जो डायपोल मूवमेंट का हेड एरो किसकी तरफ जा रहा है? फ्लोरिन. किसकी तरफ? फ्लोरिन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बाकी डी भी देखते हैं. एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसको पूरा ऑप्शन लिख दो. सॉरी. तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है वैसे. ठीक है, डी ऑप्शन है. एक मिनट इसे ठीक कर देता हूँ. ये मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम खुद लिख लेते हैं हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन. सॉरी. दो तो दोनों सेम ही ऑप्शन हो जाएगा. इसको इतना ही रहने देते हैं. एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? अगर देखा है फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड मूवमेंट है फ्लोरीन की तरफ जा रहा है और रिजल्टेंट कैंसिल आउट. जिसकी वजह से जो डायपोल मूवमेंट है NF3 का क्या हो गया? कम. और जो डी ऑप्शन था उसमें लिखा एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. कौन सा एटम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वैसे भी मिसप्रिंट भी हो गया. कोई नहीं, अगर हम इस क्वेश्चन को इतना ही देखें कि एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम का नाम मेंशन नहीं है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन है या नाइट्रोजन, किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन सी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से जो बॉन्ड मूवमेंट है फ्लोरीन का वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. किसके? लोन पेयर मूवमेंट ऑफ N वाला. तो ये कैंसिल आउट, इसका डायपोल मूवमेंट लेसर, उसका डायपोल मूवमेंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि वह एड अप हो रहा है. दोनों क्या हो रहा है? एड. रिजल्टेंट मूवमेंट एड हो रहा है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. यहाँ पे डी कोई सा भी होता, ऑप्शन सी ही करेक्ट है. यहाँ पर सी ही करेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवन क्वेश्चन है, इन द लुईस फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द नंबर ऑफ सिंगल डबल एंड डेटिव बॉन्ड्स आर इक्वल. इन सबके लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने और बताना है किस स्ट्रक्चर में सिंगल डबल और डेटिव मीन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेम है, मतलब मीन्स इक्वल है. तो ड्रॉ करते हैं वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर. हम पर क्या है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? मैंने ट्रिक भी बताई थी N2O5
लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, कैसे बनाते थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते थे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो दो नाइट्रोजन पे कितने हो गए 10, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, तो 6 × 5 = 30, तो 40 इलेक्ट्रॉन का यूज करके हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो N2O5 का स्ट्रक्चर ये होता है, NO पहले सिंगल बॉन्ड होते हैं, ओके साथ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, हमें कितने फिल करने 40, कितने करने 40। अब देख लो पहला रूल क्या होता था कि सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करो, सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट करो, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये और 31 32 33 34 35 36 36 बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, वो बच्चे हुए किसमें जाते थे सेंटर में, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 37 38 39 40। क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट है? नहीं, अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो याद है हमने सिखाया था कि वहां पर अगर सेंट्रल वालों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन हटाओ और डबल बॉन्ड बना दो, इसका भी कंप्लीट नहीं है नाइट्रोजन का। तो रूल हमने पढ़ के आए, मैंने पहले ही बोला वीडियो लेक्चर देखोगे तो ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मतलब सराउंडिंग के एटम हटाओ और डबल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन हटा दिया डबल बॉन्ड, ऐसा करने से उस जो सेंट्रल वाला है इसके जो बाद वाला एटम इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा और इसका तो है ही कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबका कंप्लीट हो चुका है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताने यहाँ पर सिंगल डबल और डेटी बॉन्ड कितने, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं और फिर दूसरा है डबल बॉन्ड एंड थर्ड वन इज डेटी बॉन्ड, नेटिव कोऑर्डिनेशन होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन समझ लो, कौन सा बॉन्ड है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ऐसे ही है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा है? दिस वन इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों और कैसे पता चलेगा हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है? देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 बचे हुए, इट मीन्स इसने जो बॉन्ड बनाया इसने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए नाइट्रोजन ने, दोनों के दोनों किसने करे नाइट्रोजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन के अपने 6 के 6 बचे हुए हैं, तो इसलिए कौन सा बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन, किसने दिया नाइट्रोजन ने। हम पढ़ के भी आए कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को रिप्रेजेंट एरो से करते हैं, ये डोनर ये एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की तरफ हेड डोनर की तरफ टेल। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन के 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए, दोनों के दोनों किसने दिए बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन, तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने, जिसे हम डेटी बॉन्ड बोलते हैं 2। सिंगल बॉन्ड कितने, डबल में एक सिंगल होता है, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई, एक सिंगल अच्छा सिग्मा पाई नहीं बोला सॉरी सिंगल डबल बोला, बस सिंगल कितने 1 2 और डबल एक बॉन्ड ये रहा और एक वो रहा 2। दो डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, सिग्मा पाई भी पूछते हैं वैसे पूछा नहीं, दो सिंगल दो डबल दो डेटिव, ऑल बॉन्ड्स आर सेम। तो ये पूछा था इन लुईस फॉर्मूला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नंबर ऑफ सिंगल डबल डेटिव बॉन्ड आर इक्वल, वैसे तो आंसर यहीं पर आ चुका है, आगे करो या ना करो आंसर आ चुका है। तब भी एक और चेक कर लेते हैं बी पार्ट H3O, बी पार्ट इसका H3O है, क्या इसमें भी इक्वल है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 5 प्लस 3 × 6, ट्रिक कराई हुई है पूरा टॉपिक कराया हुआ है, तो कितना हो गया 3 6 = 18 24 सेंट्रल में लगते थे जो अकेला है वो बड़े वाला एटम और बचे हुए सारे ऑक्सीजन साइड में और एक तरफ हाइड्रोजन, पहले सिंगल बॉन्ड बनाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने 24, पड़ोसी का ऑक्टेट कंप्लीट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। अब इसकी बारी 21 22 23 24, क्या कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर? नहीं नहीं, यहाँ पर देखो जब पड़ोसी ये सेंट्रल एटम इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो पड़ोसी के दो इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ क्या बना लेगा डबल बॉन्ड, ऐसा करने से नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट रहेगा उस पड़ोस वाले ऑक्सीजन का भी। यहाँ पर देखो सिंगल डबल और डेटी बॉन्ड इक्वल है? नहीं, डेटी बॉन्ड देखो ऑक्सीजन के 6 के 6 बचे हुए,
सिंगल बॉन्ड दो है, डबल बॉन्ड सिंगल है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। इसी टाइप से बाकी भी इनकरेक्ट ही है, बना के देख सकते हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे पहचानते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड सल्फर एंड द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड ऑक्सीजन, ठीक है, एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर सल्फेट आयन्स। तो सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, इसका लुईस बनाया था सल्फर 6, 4 इंटू में 6 और माइनस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो कितना हो गया 6, 4 = 24, 32। 32 इलेक्ट्रॉन का यूज करके लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 हो गया, यस और नो, ये चुके 32। तो पूछा है क्वेश्चन में द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द सल्फर एंड द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द, ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताने हैं। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, 1, 2, 3, 4, चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, ये तो सिर्फ समझाया था कि कॉन्सेप्ट याद है, 4। और लोन पेयर 3 पेयर इस पे, 6, 9, 12, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 और 12, ऑप्शन नंबर बी 4 and 12, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए कंपाउंड इज कॉल्ड कोवेलेंट, अ कंपाउंड इज कॉल्ड कोवेलेंट, याद होगा स्टेटमेंट हम पढ़ के भी आए थे, पॉली और हैने स्मिथ इक्वेशन उस टॉपिक में पढ़ के भी आए, पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर एंड पार्शियली आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों टॉपिक हम कवर करके आए हैं। वहां पर हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी, यहाँ पे बोला कि कंपाउंड इज कॉल्ड द कोवेलेंट, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड क्या है जिसमें कोवेलेंट करेक्टर 50% से ज्यादा हो वो कोवेलेंट होता है, और जिसमें आयनिक करेक्टर मोर देन 50 हो, याद होगा स्टेटमेंट, जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.9 हो, जिस दो बॉन्ड के बीच में या दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 9, तो वो मोर देन 50% आयनिक होता था, मोर देन 50% आयनिक, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन हो 9, वहां पे आयनिक करेक्टर लेस देन 50% होता था। तो बोला ए कंपाउंड इज कॉल्ड द कोवेलेंट, कंपाउंड कोवेलेंट कब कहलाएगा, इट्स कोवेलेंट करेक्टर इज 100% इनकरेक्ट, क्योंकि कोई भी 100% नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड में भी पार्शियल आयनिक करेक्टर होता है और आयनिक बॉन्ड में पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर, यस और नो, फजान में भी पढ़ के आए, इट्स कोवेलेंट करेक्टर इज 50% एंड आयनिक 9, ये तो 50-50 हो गया, इट्स कोवेलेंट करेक्टर is more than 50% ionic character less than, option C is correct, ठीक है, कोई भी बोला जाए बताओ covalent, a compound is called covalent, एक compound covalent कब कहलाएगा, जब उसमें covalent character more than 50% हो, more than 50% हो, 100 नहीं, क्योंकि 100 तो होता ही नहीं है, सभी covalent bond में partial ionic character होता है और सभी ionic bond में partial covalent character होता है, ये हम पढ़कर भी आए, तो याद रखना, ये थोड़ा ध्यान देना, कुछ बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट कर देते हैं कि कोवेलेंट करेक्टर इज 100%, 100 तो होता ही नहीं है कभी, मोर देन 50 कोवेलेंट होगा, ठीक है, अगर कोई बोला कि आयनिक करेक्टर मोर देन 50 है तो वो आयनिक करेक्टर, या फिर 100 है आयनिक करेक्टर, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो मोर देन 50 बोलेंगे वो स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 100% होता ही नहीं है, अगर कोई कहीं पे स्टेटमेंट लिखे कि कोवेलेंट करेक्टर इज 100% तो वो इनकरेक्ट है, मोर देन 50% होगा वो करेक्ट है, हम बढ़ के आए पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर और पार्शियल आयनिक करेक्टर निकालना भी सीखा है हमने परसेंटेज में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेटमेंट टाइप था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10th स्लाइड है, 10th क्वेश्चन, NH3 एंड BF3 फॉर्म एन एडक्ट रेडली बिकॉज ऑफ दे फॉर्म, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक केमिकल बॉन्डिंग बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24-25 के आसपास। तो बोला NH3 एंड BF3, वहां पे ये ऐसे क्वेश्चन आता है NH3 प्लस BF3, वहां पे पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजिंग आई है, बट यहाँ पे तो इजी है, ये ऐसे लिखा है NH3.BF3, NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23 या 24, उसी के आसपास क्वेश्चन है। BF3 बोला है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एडक्ट रेडली बिकॉज दे फॉर्म,
NH3BF के थ्री के साथ NH3.BF3 बनाते हैं, क्यों देख रहे हैं अपन, ये NH3 है देखो, आंसर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है डिटी बॉन्ड, ये BF3 है, इन ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। हाँ NH3 बोलेगा देखो बोरोन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, बट नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन अपने दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन को बी को देगा, बोलेगा चलो हम क्या वर्क करते हैं एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए नाइट्रोजन, ठीक है, जो डोनर होता है उसकी तरफ टेल होता है, जो एक्सेप्टर होता है उसकी तरफ हेड, और किसको दिए बोरोन को, जो कि ऐसे लिखा जाता है NH3.BF3। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेशन, कौन सा कोऑर्डिनेशन, और जो टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चन है उसमें ये पूछा था कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजिंग आई है, ठीक है आपके NCERT में सेम ईयर पूछा था कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजिंग है, करेंगे आगे, अभी तो सिर्फ इसमें इतना ही पूछा। नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट याद रखना कौन सा बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन और डेटिव बॉन्ड, द बॉन्ड लेंथ इज लार्जेस्ट बिटवीन द टू कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, द बॉन्ड लेंथ हमें पता है सिंगल बॉन्ड डबल और ट्रिपल में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, हम फैक्टर्स पढ़ के आए बॉन्ड लेंथ के इसी चैप्टर में, उसके लिए भी एक लेक्चर डाला हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है सिंगल, इनमें से सिंगल कौन है, क्या पूछा बॉन्ड लेंथ इज लार्ज, सिंगल कौन है इथेन, आगे करने की जरूरत नहीं, इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, इथेन में डबल, इथाइन में ट्रिपल, बेंजीन में डबल सिंगल दोनों, ठीक है तो किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हुई सिंगल मीन्स इथेन, डी ऑप्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 N2 एंड O2 एंड Cl2, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना, क्या क्या हमारे पास N2 O2 F2 एंड Cl2, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हमें पता है जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं डबल उससे स्मॉल एंड ट्रिपल बॉन्ड सबसे शॉर्ट, तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फ्लोरिन सिंगल बॉन्ड एंड क्लोरिन भी सिंगल बॉन्ड, इसके लोन पेयर, तो बताओ एक दो, तो ये मैंने इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, तो सबसे छोटा कौन हुआ, ट्रिपल बॉन्ड स्मॉलर होते हैं N2 स्मॉलर सबसे छोटा, फिर डबल बॉन्ड उससे बड़ा, अब क्वेश्चन आता है ये दोनों ही सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए नहीं, फ्लोरीन का क्या है स्मॉल साइज, यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, फ्लोरीन का क्या होता है साइज स्मॉल होता है क्योंकि पहला मेंबर अपने ग्रुप का, अगर उसी की मैं बात करूं क्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्या होता है क्लोरीन, डाउन द ग्रुप में क्लोरीन क्या होता है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है क्लोरीन, देखो एक तो इसका स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसकी वजह से इसका साइज क्लोरीन के कंपेयर में छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन का साइज छोटा, दोबारा देख लेना, एक तो इसका स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने के साथ साथ इस ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसलिए इसका साइज क्या हो जाता है छोटा, हल्का सा छोटा, दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद भी फ्लोरीन क्यों छोटा है क्योंकि फ्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन इन दोनों में तो सिंपल है ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, सिंगल बॉन्ड बड़े होते हैं, इन दोनों सिंगल में भी कौन बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से साइज उसका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, इसमें से कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ऑक्टेट रूल होता क्या था जिसके वैलेंस शेल या तो एक्सेप्ट या डोनेट करके क्या करे अपना ऑक्टेट को कंप्लीट नोबल गैस बने, तो पहली अगर बात करें उसकी पहली लिमिटेशन थी जो कि सामने ही लिखा हुआ है AlF3, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा BeCl2, इन दोनों का जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसको लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोला जाता था,
और हाइपोवेलेंट भी, ये लिमिटेशन लिखवाई हुई है, ऑक्टेट रूल की पहली ही लिमिटेशन है। और पीसीएल 5 इनमें से एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करके बता देते हैं, है ना। सब सिक्स ऑक्टेट सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी स्पीसीज अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ऑक्टेट रूल को ये तीनों भी फॉलो नहीं कर रहे, इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट नहीं है तो ये भी फॉलो नहीं कर रहे। पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, इनमें से देखो एक का स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देते हैं। जैसे BACL लीनियर शेप, ये होता है बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है सेंट्रल एटम का नहीं, 1 2 3 4 इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और ऐसी स्पीसीज को हम हाइपोवेलेंट बोलते हैं और लुईस एसिड भी बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें पीसीएल 5 एसएफ 6 आईएफ 7 पीसीएल 5 ये रहे इसके क्लोरीन, ठीक है, क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है नहीं। फॉस्फोरस का जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं हाइपरवेलेंट, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। पहला ही आंसर आ गया पेयर जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी सब कर रहे हैं, वाटर करता है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर अमोनिया, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बीटो 6 डाइबोरेन CO NaCl, ठीक है। इनमें से कौन नहीं कर रहा था वो हमने देख लिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, पहले ही ऑप्शन दे रखा है उन्होंने। तो ये लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की पहली और दूसरी लिमिटेशन, वहीं पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 2.1 एंड क्लोरीन 3.0 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ HCl इज 70% आयनिक, 83% आयनिक, 50% आयनिक, 100% आयनिक। तो याद होगा स्टेटमेंट लिखवाई थी, अगर दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, वैसे दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0.9। अगर दो एटम का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन हो इससे 1.9, ग्रेटर देन हो 1.9, तो जो बॉन्ड है बॉन्ड इज मोर देन 50% आयनिक, 50% से ज्यादा क्या होगा आयनिक। अगर लेस देन हो 1.9 से बॉन्ड इज मोर देन 50% कोवेलेंट, कराया हुआ है लेक्चर में, वहां पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला कि बताओ 0.9 है उसका मतलब क्या है, 0.9 है तो इसका मतलब है ये 1.9 से कम है, तो बॉन्ड इज मोर देन 50% कोवेलेंट। बट हमें क्या बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द HCl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, सारे आयनिक के ऑप्शन है, कोवेलेंट का है नहीं, सारे क्या है आयनिक के ऑप्शन है। तो आयनिक के टर्म में देख लो, आयनिक के टर्म में देख लो, ये ग्रेट लेस देन 1.9 से हो, अगर ये जो x है जो भी x ले लेते, ठीक है, लेस देन 1.9 है तो बॉन्ड इज मोर देन 50% कोवेलेंट, और ग्रेटर देन 1.9 हो तो बॉन्ड इज मोर देन 50% आयनिक। क्या ये ग्रेटर है 1.9 से, नहीं, तो 50% से ज्यादा तो होएगा ही नहीं, तो क्या ये 1.9 से लेस है, 1.9 से क्या है लेस वैल्यू, 1.9 से अगर लेस वैल्यू तो बॉन्ड इज मोर देन 50% कोवेलेंट, यस और नो, या सुना ये एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 0.9, तो 1.9 से क्या है लेस, बॉन्ड इज मोर देन 50% से ज्यादा कोवेलेंट है, तो मतलब 50% से कम क्या हुआ आयनिक, 50% से कम क्या हुआ आयनिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोबारा देख लेना यहाँ पर, बॉन्ड इज मोर देन 50% कोवेलेंट, बॉन्ड इज मोर देन 50% कोवेलेंट, तो ये वैल्यू क्या है 1.9 से कम है, हाँ ठीक है 1.9 से कम है तो बॉन्ड इज 50% कोवेलेंट, कोवेलेंट तो पूछा नहीं था, 50% से ज्यादा कोवेलेंट है तो आयनिक कितना बचा 50% से कम, तो ऑप्शन नंबर ए इज ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आता है डायरेक्ट, ठीक है, या कि बाकी इसके लिए वो कर सकते हो हने यानी स्मिथ इक्वेशन, उससे अगर पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है उससे भी निकाल सकते हो, बट आंसर यहीं पे आ चुका है। परसेंटेज निकालना हो तो होता है 3.5 सॉरी 16 xA - xB
प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो परसेंटेज निकाल लिए, तो परसेंटेज के लिए डाय फॉर्मूला है ना, स्मिथ इक्वेशन 16xa, xa क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। इस इक्वेशन से पुट करके भी हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और बी के बिल पुट करो तो आंसर 17 आएगा। तो याद रखना, अगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम का ग्रेटर देन 1.9 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम का ग्रेटर देन 1.9 होता है, तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होता है, और उसका अपोजिट, उसका अपोजिट आयनिक परसेंट, कोवलेंट परसेंट मोर देन 50%, कोवलेंट कैरेक्टर मोर देन 50%, या फिर आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बाकी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मैंने पूरी एक लेक्चर डाला हूं, आप डिटेल में वहां से देख सकते हो। अगला आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर दिस दिस दिस, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विल बी, चेक करते हैं। तो पहला आ रहा है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो और क्या क्या है, 3.5, 4, 3.2, 3.0, 2.1, तो पूछा है इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, OF, OCl, NH एंड OH। तो यहाँ पे देख लो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके लिए ट्रिक भी कराई हुई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन कितना है 3.5 और फ्लोरीन 4, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है 3.5, क्लोरीन 3, दोनों का डिफरेंस 0.5। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखो, नाइट्रोजन 3.2, हाइड्रोजन 2.1, तो यह 2.1, 3.1, तो 1.1 ही है, हाँ ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 3.5, हाइड्रोजन कितना है 2.1, 3.1, तो 1.4। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, वैल्यू सारी दे ही रखी थी, बस डिफरेंस देखते जाओ किसका ज्यादा है, OH का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक बेस्ड, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 16, क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोनों मेटल नहीं होते, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम नहीं होते, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ग्लिसरॉल हैज अ हाई विस्कोसिटी, ग्लिसरॉल की हाई विस्कोसिटी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला करेक्ट है, ग्लिसरॉल की हाई विस्कोसिटी होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। सीसीएल फॉर इज नॉन पोलर, CCl4 टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिया, और सिमेट्री कौन होते हैं, अभी अभी पीछे भी बताया, नॉन पोलर, क्या होते हैं, नॉन पोलर, करेक्ट। सेकंड हमें इनकरेक्ट बताना है ना, ठीक है, H2 इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ये तो सभी को पता है, H2 क्या है, पोलर, अनसिमेट्री, पोलर, बैंड शेप, यस और नो, चार सेपरेशन, नेगेटिव पॉजिटिव, सबको पता है। NH3 हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3, NH3 का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है किससे, PS3, क्यों, क्यों NH3 का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, यही है ना, क्यों, व्हाट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है, NH3 का तो हायर होता है, NH3 का क्या होता है,
high boiling point. I mean, incorrect question. Then PS3. Why? Because it form intermolecular hydrogen bonding. हम पढ़ के भी हमें पता भी है, P block में पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है hydrogen bonding में. NH3 का जो boiling point hydrogen bonding में भी करा है. NH3 का जो boiling point होता है वो high होता है due to intermolecular hydrogen bonding. इंटरमोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अपने आसपास पड़ोसी वाले सभी NH3 मॉलिक्यूल के साथ, एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि NH3 हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें इनकरेक्ट वाला पहचानना था, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. बाकी सारे क्या है करेक्ट, बाकी सारे क्या थे करेक्ट. डी ऑप्शन क्या था इनकरेक्ट. करेक्ट ये है कि NH3 का हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट PH3 से, फॉस्फिन से. नेक्स्ट से नोट करो क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है क्या, सी टू मोलिक्यूल हैज बॉन्डेड टू एंड द डायमैग्नेटिक. अच्छा एमोटी ड्रॉ करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट ए सी एंड डी, इनका एमोटी सेम बनेगा. देख लो सिग्मा वन एस कराया एमोटी, लेक्चर जाके देख सकते हो. सिग्मा एंटीबॉन्डिंग वन एस, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s. एक मिनट, ये पहले से 2 लिख दिया मैंने, ठीक है. पाई 2px बराबर होता है पाई 2py, x और y वाले बराबर होते हैं, क्यों होते हैं सब लेक्चर में जाके देखो. सिग्मा 2pz पाई स्टार, 2px बराबर पाई स्टार 2py and sigma star 2pz. ये हमने ऑर्डर पढ़ा भी है, ठीक है. तो वन बाय वन हमें क्या करना है, फिल करना है. तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, वरना बार बार लिखना पड़ेगा. सॉरी तो डिलीट हो गया, सॉरी. तो इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है. अगर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो करते से तो अब देखो करते से एक एक करके. पहला आ रहा है C2 में कितने होते हैं 12, कार्बन में कितने होते हैं 12, 12 इलेक्ट्रॉन चेंज करने, 2, 4, 6, 8, 10, 12. बताओ डायमैग्नेटिक और पैरा, पोल इलेक्ट्रॉन और पेयर, सारे क्या है पेयर, तो ये होगा डायमैग्नेटिक. और बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग. बॉन्डिंग में कितने बिना स्टार वाले, 2, 4, 6, 8 माइनस 4 कितने बचा, 4/2, 2. बॉन्ड ऑर्डर 2 ए का. अगर मैं बी की बात, बी नहीं पहले सी को कर लेते हैं, सी का देख लो जी, सी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है. सी को कर रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन, किसका सी का, कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन. बताओ डायमैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है डायमैग्नेटिक, सारे क्या है पेयर डायमैग्नेटिक. और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो N2 का 3 होता है, निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से. बॉन्डिंग में कितने 10, ये रहे देखो 2, 4, 6, 8, 10. 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 6/2, 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है. अब बच्चा किसका है H2, ये ऑप्शन था सी. डी का भी देख लो H2 सिग्मा 1s2, ये तो इतना ही खत्म हो गया. क्या है डायमैग्नेटिक है, सारे पेयर 2 के 2 ही है. बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1. बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है. बॉन्डिंग में कितने 2, तो 2 माइनस 0 और हाफ से डिवाइड भी करना है, सॉरी मल्टीप्लाई, तो इससे जाएगा तो कितना बचा 1. तो 3 का तो निकाल लिया, अब बचा एक ऑक्सीजन, बी ऑप्शन. तो बी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्सीजन, इसको अलग कलर से, क्योंकि ऑक्सीजन का ये ऑर्डर जो चेंज, ये कॉन्फिगरेशन वाला फॉर्मूला है वो अलग होता है. फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1s सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s. याद होगा ये सिग्मा 2pz इसमें पहला आता है, सिग्मा 2pz
ग्रेटर देन पाई वाले इक्वल टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, पाई स्टार बाकी सारा क्या होता है सेम, टू पी एक्स बराबर पाई स्टार स्टार ठीक है स्टार है टू पी वाई और ये सिग्मा स्टार टू पी जेड। सिर्फ क्या फर्क होता है जो ये इस वाले में जो टू पी जेड वाला यहाँ पे आ जाता है, मैंने पूरा ये लेक्चर डाला हुआ है, पूरा टॉपिक है, वहां पे भी कर सकते हो डिटेल में। तो देखो पहले का जब हमने निकाला ये टू था, ये टू नहीं था मतलब स्टार था ठीक है, गलती से टू लिख गया था स्टार था ये इतना तो पता ही है। तो पहले का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है दो और डायमैग्नेटिक, दूसरे का निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितने इलेक्ट्रॉन भरे फिल करने हैं ऑक्सीजन में, ओटू में 16, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, सोलह वाला इलेक्ट्रॉन देखो एक एक जाएगा दोनों में स्टेबिलिटी के लिए, एक इसमें और एक वाई में। तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ, क्या हुआ पैरामैग्नेटिक, क्या हुआ पैरामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया दो, ट्रिक भी बताई हुई है बॉन्ड ऑर्डर कितना गया दो, कैसे दो आया फॉर्मूला डालो, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने दो चार छ आठ दस, बॉन्डिंग में दस एंटी बॉन्डिंग में छह, दस माइनस छह चार डिवाइडेड बाय दो दो। तब इस चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वैसे इस बाकी इसकी ट्रिक भी बता रही है अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो। सी टू मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर टू, अलग है सी टू, सी टू मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर टू ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर टू है डायमैग्नेटिक, विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, पहले ही करेक्ट आ गई क्या, सी टू मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर टू एंड डायमैग्नेटिक, पहले ही करेक्ट है तब भी हम चेक करते आगे, ओ टू मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर टू एंड डायमैग्नेटिक, नहीं पैरा आ रही है ओ टू तो पैरा आ रही है इनकरेक्ट, एन टू मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर थ्री पैरामैग्नेटिक, नहीं ये भी डाई आ रहा है ठीक है डाई, ये भी इनकरेक्ट है, एस टू मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर जीरो, बॉन्ड ऑर्डर वन होता है, दोबारा देख लो एस टू का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलोगे, फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने टोटली तो दो ही है, दोनों ही किसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, जीरो कितना आ गया वन, जीरो नहीं होता तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे तो आंसर यहीं पे आ गया था पर पूरा सॉल्व करके दिखाया, तो ये हमारा एमओटी का, इसे नोट करें और ये कराया भी हुआ है क्लास में सारे एक एक डायग्राम के साथ विद एक्सप्लेनेशन, तो इसे नोट करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1919, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स, चार एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी हुई है, चलो ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड फॉर्म बिटवीन देम, तो चार कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हो तो ये देख के ही पता चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी का चौथा ग्रुप, पी का पांचवा हैलोजन, अल्कली मेटल एस वन एस टू सेकेंड ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ठीक है। तो कौन मेटल है यहाँ पे, कौन मेटल, ये सी और डी, ए और बी जो है ए एंड बी दोनों क्या है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, अगर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत भी बड़ी हो दिख रहा है पी फोर या अपना पी सिक्स कंप्लीट करने के लिए दो गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके क्या करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नॉन मेटल, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है नॉन मेटल, वो भी क्या है ए एन बी नॉन मेटल है, जिसमें से ए की वैलेंसी कितनी है, ए को कितने चाहिए अपना सिक्स कंप्लीट करने के लिए दो और बी को कितने चाहिए वन, तो ये वैलेंसीज है ठीक है इसकी दो वन। और दूसरी तरह मैं बात करूं अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल सी एन डी इज मेटल्स, सी ओ डी क्या है मेटल्स, क्या है सी ओ डी मेटल्स, जिसमें से सी और डी, सी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर अगर देखा जाए तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं मेटल है तो इसका वैलेंसी वन और डी की वैलेंसी कितना है दो करेगा वैलेंसी टू, बस इतना हो गया अब हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो आयनिक कंपाउंड होते हैं कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको नॉन मेटल को ठीक है। तो इनके बेसिस पे बताना है कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे, तो कौन कौन मिलकर बॉन्ड बनाएगा,
सो यहाँ पे चार ऑप्शन है, एक दो चार पॉसिबिलिटी भी है। कौन कौन सी देखो, किसी मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, और एक बार सी बी के साथ बना लेगा। सी की वैलेंसी एक है, ऐसा याद है ना, सी की वैलेंसी एक है और ए की वैलेंसी टू है, याद होगा छोटी क्लास में बनाना सीखा है, सी टू है, इस टाइप से हमें बनाना है। ठीक है, सी की वैलेंसी एक है और ए की टू, तो सी टू ए, तो पहला जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है सी टू ए। अब बताओ सी की बी के साथ क्या बनेगी, दोनों की वैलेंसी सेम है, सी बी, सी बी बोल लो या बी सी बोल लो, ठीक है सी बी बोल लो या बी सी। इसी टाइप से अगर मैं डी की बात करूं, हम अगर डी की बात करें, डी की वैलेंसी दो और ए की वैलेंसी दो, तो तब सेम वैलेंसी होती तो कैंसिल आउट, तो ये हो गया डी है, ए डी बोल लो या डी है। डी की वैलेंसी दो है और बी की कितनी है वन, डी की वैलेंसी कितनी है दो और ए की कितनी है, सॉरी बी की कितनी है वन, तो क्या फॉर्मूला बना, डी डी बी टू, क्या बना डी बी टू, ये ऑप्शन देख लो वही करेक्ट है। ठीक है डी बी टू, तो पहला इनकरेक्ट, ए सी टू किसमें, ए सी टू ये दोनों कट गया, ए सी टू किसमें, ये रहा ए सी टू, ठीक है सेकंड सी भी करेक्ट, थर्ड डी है करेक्ट, डी बी टू करेक्ट, डी बी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन इजी सही था, आयनिक कंपाउंड्स पूछे थे, दो मेटल दिए होते हैं, दो नॉन मेटल्स दिए होते हैं, उनके बेस पे पूछा गया था कितनी पॉसिबिलिटी है आयनिक कंपाउंड बनने की, तो सारी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे चेक कर ली, वो क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल के भी देख लिया और वाई कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड से लेकर NaCl, KCl, MgO और BO, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सोडियम एक एक के साथ है, पोटेशियम एक जगह है, मैग्नीशियम एक, ग्रुप वाइज लिखा है मैंने, ठीक है स्क्रीन से देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे ही होता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, ठीक है या सुनो, अब हमें पता है इनमें से ये प्लस टू होता है, सेकंड ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर सेकंड है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सारे प्लस वन होते हैं, प्लस टू, तो आयनिक कंपाउंड किसका, कौन सा आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होगी, जिसपे चार्ज काफी ज्यादा है, जिसका छोटा साइज है, चार्ज किसका ज्यादा है, बी एम जी ओ एंड बी ए, सॉरी एम जी प्लस टू एंड बी ए प्लस टू, इनका ये भी देखो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, इनका चार्ज कम है तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी कम हुई, इन दोनों को तो हटा ही लो, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन से हट गए। अगर मैं एम जी ओ की बात करूं, एम जी पे प्लस टू है, ओ पे माइनस टू है, प्लस टू है माइनस टू है, क्या इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगी, नहीं, देखो मैग्नीशियम और बेरियम डाउन द ग्रुप जाए तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है, तो कैटाइन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैटाइन जितना ज्यादा छोटा होता है उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होता है, कैटाइन जितना ज्यादा स्मॉल होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो छोटा कैटाइन दोनों में से कौन है, मैग्नीशियम, दोनों का एनायन तो सेम है, मैग्नीशियम का कैटाइन छोटा है, छोटे से कैटाइन पे प्लस टू है और वो साइज में बड़ा है, ठीक है साइज छोटे से कैटाइन पे क्या है, प्लस टू है, जितना छोटा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सी इज ऑप्शन। देख भी देखो डाउन द ग्रुप कैटाइन बढ़ रहा है, शेल बढ़ती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो आयनिक कंपाउंड सारे, उन आयनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, क्योंकि उसका कैटाइन स्मॉल है, जिसकी वजह से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल स्मॉल साइज एंड चार्ज दो चीज पर डिपेंड करते हैं, चार्ज ऑफ आयन एंड साइज, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना चार्ज बड़ा उतना ज्यादा अट्रैक्शन, चार्ज तो दोनों का सेम था बट साइज अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का साइज छोटा है, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा। 21, विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंथैल्पी, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड जो कि नाइट्रोजन बनाते हैं,
ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, क्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन किसी कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल, ऑप्शन नाइट्रोजन इज करेक्ट, सी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तीसरी बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अलग अलग टाइप से पूछा, हर बार नॉन पोलर कौन होता है, सिमेट्री। कौन होता है, सिमेट्री, सिमेट्री इनमें से सिमेट्री कौन है, BF3 प्लेनर स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दो ये लोग वापिस, सिमेट्री है, PCl5 सिमेट्री, कोई लोन पेयर नहीं होते, बाकी PCl3 में लोन पेयर आएंगे, CaCl3 इसमें तो वैसे दो डिफरेंट आइटम आ गया कार्बन के साथ, तो ऑप्शन वन एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नॉन पोलर कौन होते हैं, सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री कौन है, BCl3 एंड PCl5, PCl5 सिमेट्री क्यों नहीं है, इसमें लोन पेयर आ रहे हैं, ये सिमेट्री क्यों नहीं है, कार्बन के साथ तीन तो सराउंडिंग में क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, तो ये अनसिमेट्री वैसे ही हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21, ये 22 था, 23, डाइपोल मोमेंट ऑफ AX4, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो, जीरो, द ज्योमेट्री इज, अगर जीरो है कौन होता है, जीरो, सिमेट्री वाले, सिमेट्री मीन्स नॉन पोलर, यस और नो, सिमेट्री मीन्स नॉन पोलर, सिमेट्री मीन्स नॉन पोलर, तो इन सब में से सिमेट्री कौन है, इन सब में से सिमेट्री कौन है, द ज्योमेट्री इट कैन बी टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, नन ऑफ दिस, टेट्राहेड्रल सिमेट्री स्ट्रक्चर होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर में भी कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, मीन्स सी, वो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि दोनों ही क्या है, सिमेट्री, सिमेट्री क्या है, दोनों में से किसी के पास भी कोई लोन पेयर, कोई डिफरेंट आइटम यहाँ पर है नहीं, स्क्वायर प्लेनर में कोई भी लोन पेयर नहीं होता, टेट्राहेड्रल में भी कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तो बोथ आर सिमेट्री, और दोनों ही सिमेट्री है, तो दोनों की ज्योमेट्री क्या, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है, नॉन पोलर का क्या होता है, जीरो डी, तो बोथ टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम इज 0.7 एंड द फ्लोरिन इज 0.4, तो बिल्कुल ईजी है, पहले का कितना है, एटम मेकअप 0.7 और बी जो फ्लोरीन है उसका है 4.0, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.3, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा हो तो आयनिक करेक्टर 50% से ज्यादा होता है, तो ओवरऑल क्या हुआ, आयनिक, आयनिक मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट, वी इज करेक्ट, यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया अलग अलग टाइप से घुमा के, याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा होता है तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से कम हो तो आयनिक करेक्टर 50% से कम होता है, या बोल सकते हो दूसरे में कि कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है 50% से। नेक्स्ट 23, 24 नोट करें, नेक्स्ट पे आते हैं 25, विच कॉम्बिनेशन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड मैंने बताया भी किस पे डिपेंड करता है, साइज, और सेकंड, सेकंड करता है किस पे, चार्ज, आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स साइज एंड चार्ज, चार्ज ऑफ आयन, जितना छोटा साइज उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो अब इनमें से देख लो, और जिसका चार्ज बड़ा, तो पहले तो किसका चार्ज बड़ा है, ऑप्शन ए की है, यहां पर ए, देखो ए, सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम, यस और नो,
सोडियम मैग्नीशियम, लेफ्ट राइट में साइज छोटा होता है, किसका साइज छोटा, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का साइज भी छोटा है और मैग्नीशियम का चार्ज भी बड़ा है, तो दोनों फैक्टर से मैग्नीशियम ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब मैग्नीशियम में भी कौन सा मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एक क्लोरीन वाला या ऑक्सीजन वाला। अब इनमें भी देख लो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, ज्यादा कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मैग्नीशियम के साथ एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखना स्ट्रेंथ या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन की किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो। तो दोनों फैक्टर अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का साइज छोटा है किससे, सोडियम से, और ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा है क्लोरीन से, और साइज भी छोटा है, ठीक है, क्योंकि वो नीट डाउन द ग्रुप में आता है क्लोरीन, किसमें, थर्ड पीरियड में, ये सेकंड का है, तब भी दोनों से ये करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तो लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन है, तो लैटिस एंथैल्पी होती क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस नेगेटिव आयंस। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में जो लगती है, तो लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन, तो लैटिस एनर्जी भी वही साइज और चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो बोला था अभी, साइज और चार्ज ऑफ आयंस एंड साइज अभी अभी तो बताया पीछे, बोथ चार्ज एंड साइज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, सेकंड जितना साइज छोटा होगा उतना अट्रैक्शन, तो चार्ज मजबूत होता है, बोलता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उनको अलग करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए लैटिस एनर्जी हाई हो जाएगी। तो लैटिस एनर्जी में आयनिक कंपाउंड की ही बात कर रहे हैं, बोथ चार्ज एंड साइज, जो सेम पीछे कर रहे हैं वही आंसर इसका भी है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका आंसर सी, तो यहाँ पे ये भी याद रखना, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज एंड साइज, और लैटिस एनर्जी है क्या, आयनिक कंपाउंड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तो बता रहे हैं, ठीक है, बोथ आर सेम। नेक्स्ट 27 स्लाइड्स नंबर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी, ठीक है, अभी अभी हमने साइज और क्या पढ़ा है, साइज और चार्ज, उसके बेसिस पे करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर देखिए, मैंने पहले हम कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं, फिर खुद चेक करेंगे किसका ज्यादा किसका कम, AlCl3, ठीक है, सॉरी AlO3 है, Al2O3, तो साइज और चार्ज, चार्ज की बात करें +1 -2 +2 -2, ये -1 होता है एक ब्रोमीन पे, ठीक है, +3 -2, तो साफ दिख रहा है किसका चार्ज ज्यादा है, 1-1 2-2 या 3-2, ऑप्शन Al2O3, पहला Al2O3 यही हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं, तब भी देखा जाए तो अगला नंबर किसका आएगा, अगला आएगा CaO, ठीक है, उसके बाद नंबर है 2-1 MgBr2, नेक्स्ट आएगा NaCl, तो इन सब में सबसे ज्यादा ये, ठीक है, उससे कम मेरा देखो 2-2 के बीच में अट्रैक्शन है, 2-1 1-1 खत्म, क्या देखा सिंपल सा चार्ज लैटिस एनर्जी का, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, द फॉर्मल चार्ज ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ऐसा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओजोन का स्ट्रक्चर देख लो, ये होता है ये ओजोन का लुईस डॉट है, इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है, नाम दे देते ऑक्सीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग कितना है 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितना है देखो ये रहा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड कितने से बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, 6 माइनस 7 तो ये आ गया -1, तो आगे इसी टाइप से देख लो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस में नॉन बॉन्डिंग में कितने 4 है, 1 2 3 4, और बॉन्डिंग में कितने, बॉन्डिंग में भी 4 है, 1 2 3 4, तो कितना आया 6 -4 -2 0, अगला निकालोगे तो +1 आएगा, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन थर्ड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग में 2 है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितना है 1 2 3 4 5 6, तो एनसीईआरटी में कराया है सारे क्वेश्चन लेक्चर में, तो कितना आ गया 6 -5 +1, तो ऑप्शन है -1 +1 0, सी ऑप्शन
माइनस वन प्लस वन जीरो, प्लस वन जीरो माइनस वन, ठीक है ऑप्शन। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। नेक्स्ट इसे नोट करें, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द फॉर्मल चार्ज, द्वारा फॉर्मल चार्ज का आ रहा है फॉस्फोरस, एटम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। पूछा फॉस्फोरस पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक द्वारा बताते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, हाइड्रोजन पे तीन, तीन हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस पे पांच, फोर इंटू में सिक्स, सिक्स हो जा 24 और 8 32। तो ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ सबके साथ, नौ दस हाइड्रोजन है, सॉरी तीन हाइड्रोजन, 11 12 13 14, ठीक है। अब पड़ोसी का ऑक्टेट पूरा करो, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। लुईस डॉट वाले में कवा रखे हैं पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सबके। तो बताओ फॉर्मल चार्ज निकालिए, इसका स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस पे पांच होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं है फॉस्फोरस पे, और बॉन्डिंग में कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, चार बॉन्ड है, बॉन्डिंग में आठ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कितना है, ये तो दो, सॉरी ठीक है मैं सोचा माइनस कैसा आ गया, ठीक है फोर, ये बना वन, आंसर वन प्लस वन, कौन सा ऑप्शन है फॉर्मल चार्ज कितना है प्लस वन, कितना आ रहा है प्लस वन। तो दोबारा देख लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होते हैं, नॉन बॉन्डिंग जीरो है, और बॉन्डिंग में कितने हैं, दो चार छ आठ, क्लियर। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 30। द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमें दे रखा है HCl, नहीं CLH, हाँ भैया HCl, NH3 का दे रखा है, H2 का दे रखा है, HF का दे रखा है। तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बाइंड विद हाइड्रोजन, दिस नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, हमें क्या क्या दे रखा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, फ्लोरिन दे रखा है, क्लोरिन। याद होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक करोगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे टेबल की ट्रिक भी बताई हुई है और अलग से शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है ट्रिक। फ्लोरिन की होती है 4, ये होती है 3.5, 0.5 कम करते चलो 3, और नीचे जाओ तो 3, नीचे जाओ तो 3, नीचे जाओ तो 3, यस और नो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन। तो इनमें से पूछा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, बताओ सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरिन, तो मतलब फ्लोरिन वाला सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन वाला जो भी बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद नंबर आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद अब बोल यहाँ पे, वैसे तो आंसर पता चल गया तब, अगर फिर भी इन दोनों की तो सेम है, देखो क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होती है, तो नाइट्रोजन क्यों ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट कम होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑफ मेसिटाइलिन, हाँ तो ये देखो ये स्ट्रक्चर होता है मेसिटाइलिन का, CH3 एक CH3 इस पे होता है 135 पर, 1 2 3 4 5 CH3 मेसिटाइलिन। तो पूछा है रेशियो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का रेशियो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हाइड्रोजन भी तो 16 17 18 19 20 21, सिग्मा 21 बॉन्ड, पाई कितने 3, पाई कितने 3, आंसर इज 7, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है आंसर इज
सेवन। तो ये स्ट्रक्चर है, देखो ये हाइड्रोजन होते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए, तो कितने सिग्मा है 21 एंड पाई 3, 3 6 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 6 15 और 6 21, 21 21 3 7 आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। अगला आ रहा है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन Mg2C3। Mg2C3 का स्ट्रक्चर देख लो, Mg2 पॉजिटिव, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बीच में 4 नेगेटिव, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका Mg2C3। तो हमें बोला नंबर ऑफ, नंबर एंड टाइप, टाइप भी पूछा, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ओनली कार्बन एटम के बीच में पूछा है। कार्बन एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है, दो सिग्मा और दो पाई है, दो सिग्मा एंड दो पाई, टू सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्लाइड नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, दो सिग्मा दो पाई, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है काफी। Mg2 पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C 4 नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर है, कितने सिग्मा है, एक और एक दो, दो पाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट पार्ट में हम 35 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लेवल सेकंड में थोड़ा और अच्छे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स और जिसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा होती है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम यूज करेंगे उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये लेवल फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर ये सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट और जेई क्लासेस के लिए, और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करनी है केमिकल बॉन्डिंग, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आ रहा है, द कार्बोनिल ग्रुप हैज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस बार केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक रेजोनेंस से क्वेश्चन है। कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, यह होता है कार्बोनिल ग्रुप। और रेजोनेंस क्या समझेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटा, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये नेगेटिव इस पर आ गया, इस पर आ गया पॉजिटिव, यस और नो। तो पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा ऑर्डर स्टेबल कौन होता है, जो अनचार्ज वाला, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, उसके बाद आता उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोर स्टेबल कौन सा है इन तीनों में, थर्ड, थर्ड, उसके बाद स्टेबल है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड, सॉरी ये फर्स्ट, ठीक है, थर्ड फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड फर्स्ट, और सेकंड ये लीस्ट स्टेबल है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये लीस्ट स्टेबल है। याद रखना जो न्यूट्रल होता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद नंबर आता है इसका रेजोनेंस का, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें ये क्या है, चार्ज सेपरेशन है, चार्ज वाली स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होते हैं न्यूट्रल की कंपेयर में, और थर्ड तो दिख ही रहा है हाईली अनस्टेबल, लीस्ट स्टेबल बोल लो या फिर, क्योंकि कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन पहला सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद दिस। तो ये रेजोनेंस था, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं अब टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, इन SO2 मॉलिक्यूल द ऑब्जर्व्ड द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू SO बॉन्ड्स आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ है SO के वो एग्जैक्टली सेम है, एंड द लेंथ इज समवेयर इन द बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ठीक है। इट इज बिकॉज, ये सारी स्टेबिलिटी बताता कौन है, याद होगा ओजोन के केस में भी, पहले ओजोन का भी देख लेते हैं, फिर SO2 का, यहीं से स्टार्ट करा था हमने रेजोनेंस, जो कि क्या बताता है, रेजोनेंस हमें स्टेबिलिटी, कि जब एक्सपेरिमेंटल, देखो वैसे तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सेम एज इट इज, यहाँ पे भी बोला एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा गया कि दोनों बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा गया दोनों बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी सेम है, बट ये स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसके हम क्या बनाते हैं, रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद आता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसके हम बनाते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड देन हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें कंप्लीटली बता देता है कि हाँ दोनों बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इक्वली सेम, और ये कौन एक्सप्लेन करता है, रेजोनेंस, कैसे देख लो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी एक का बना लेते हैं, इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कि डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा और सिंगल उसमें सेम एज इट इज इसमें भी होगा, और देन इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर
कि डबल बॉन्ड ने डीलोकलाइजेशन करा है दोनों पे, डीलोकलाइजेशन करा है दोनों पे, ओजोन में भी सेम होगा और SO2 में भी सेम। तो देखो अभी इस केस में अगर मैं बोलूं कि दोनों की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या है, सेम, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों पे डबल बॉन्ड थोड़ा थोड़ा शिफ्ट गया है, डीलोकलाइज करा है, डीलोकलाइज गया है, इसकी वजह से दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो गया है, सेम, और बॉन्ड एनर्जी भी सेम। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ये कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है, और इसके लिए आप रेजोनेंस पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ सकते हो, बाकी तो ये वहां पे समझाया हुआ है। तो याद रखना रेजोनेंस ही बताता है हमें स्टेबिलिटी। लुईस में एक डबल बॉन्ड था, यहाँ एक सिंगल, बट एक्सपेरिमेंटली दोनों की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम है। क्यों? क्योंकि इससे ये तो कंफर्म हो रहा है ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा स्ट्रक्चर को, तब इसका हमने रेजोनेंस ड्रॉ करा है, ठीक है। देन उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ने बता दिया कि दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। क्यों सेम है? देखो दोनों सिंगल बॉन्ड भी है और दोनों पार्शियली डबल बॉन्ड भी है, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम। और किसने बताया हमें? रेजोनेंस। हाइब्रिडाइजेशन तो इंटरमिक्सिंग बताता है, ज्योमेट्री वगैरह VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का तो यहाँ पे कोई दूर दूर तक भी लिंक ही नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 35, एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एंड क्वेश्चन है हाउ मेनी रेजोनेटिंग फॉर्म्स कैन बी रिटन फॉर नाइट्रेट एंड क्लोरेट आयन, नाइट्रेट एंड क्लोरेट आयन। ये क्वेश्चन चलो हम होमवर्क में रखते हैं और कमेंट करके बताना आंसर क्या आएगा, नाइट्रेट एंड क्लोरेट आयन, नाइट्रेट एंड क्लोरेट आयन, ठीक है। ये होमवर्क में एक क्वेश्चन बस बताना कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको रेजोनेंस नहीं भी पता रेजोनेंस वाला लेक्चर जाके दे सकते हो, रेजोनेंस वाला लेक्चर जाके दे सकते हो, और आपको बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी। तो ये था हमारा लेवल फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चंस। अब हम इसके बाद इसी टाइप की सेकंड वीडियो में आएंगे, लेवल सेकंड, उसमें और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिनका क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा सा हाई। तो उसके लिए आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आप ये क्वेश्चन को ट्राई करो और कमेंट करके बताना आंसर क्या है। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।